श्री श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वतये नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तमे पण यज्ञ करवा बेसो त्यारे प्रत्येक द्वार ऊपर राम लक्ष्मण ने पधरावजो। यज्ञ कयो, जप करवा, कथा सांभळवी, मनथी नारायण ने मळवू, ए बधा एवा यज्ञो छे के जे गरीब मां गरीब पण करी शके। बीजा यज्ञों में खूब धन जोइए, कुल श्रेष्ठ जोइए, विदुर के विधवा यज्ञ करी शके नहीं। बीजा यज्ञ में प्रायश्चित करवू पड़े छे। केटलाक यज्ञ एवा छे के जे साधारण ब्राह्मण पण करी शके नहीं, अग्निहोत्री करी शके। यज्ञ करवा पाछड़ पुष्कळ धननो खर्च करवो पड़े छे। बीजा यज्ञ माटे देश काळनी मर्यादा बतावी छे। उपनिषद में एक यज्ञ एवो बतावियो छे के जे कोई पण करी शके छे। कोई पण जातिनो होय, गमे ते वखत होय, गमे ते स्थळ होय, आ यज्ञ जप यज्ञ। तेथी सर्व यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ छे। आँखथी दर्शन करता करता, कानथी सांभळता सांभळता, मनथी स्मरण करता जप करशो तो समाधि लागी जशे। कृष्ण मिलन ए महायज्ञ छे। आ यज्ञ में श्रद्धा ए पत्नी छे, राणी छे, आत्मा ए यजमान छे। शरीर यज्ञ भूमि छे अने आ यज्ञ थी परमात्मा प्राप्त करवाना छे। परमात्मा ने मळवू ए महान यज्ञ छे। जीवात्मा अने परमात्मा नु मिलन ए महायज्ञ छे। यज्ञ थी चित्त शुद्धि थाय छे अने चित्त शुद्धि नु फल छे परमात्मा नी प्राप्ति। यज्ञना चार दरवाजा एटले इंद्रियोना चार दरवाजा। ते यज्ञमां राक्षसो मारी ज सुबाहु एटले के काम, क्रोध, लोभ, मोह वगैरे विघ्न करवा आवशे। ए महायज्ञमां विषय मारी ज विघ्न करे छे। दरवाजा ऊपर रामकृष्णने राखशो तो मारी ज विषय विघ्न करी शकशे नहीं। ज्यारे विषय मारी ज यज्ञमां विघ्न करवा आवे त्यारे दरेक इंद्रियना द्वार पर रामजीने बेसाडो। आँखमां, मुखमां, कानमां भगवानने राखो। एक एक इंद्रियमां भगवानने राखो। रामचंद्रजीने इंद्रियोना द्वार ऊपर राखशो तो मारी ज विषयो विघ्न करी शकशे नहीं। मारी ज जल्दी मरतो नथी। तमारी दरेक इंद्रियो ऊपर राम लक्ष्मणने जो पधरावशो, शब्द ब्रह्म ने परब्रह्म ने पधरावशो तो तमारे यज्ञमां मारी ज विघ्न करी शकशे नहीं। तमारो जीवन यज्ञ निर्विघ्ने पूर्ण थशे। माया मारी ज ने रामचंद्रजी विवेकरूपी बाण मारे छे। जेनું માત્ર ચિંતન કરવાથી કામનો નાશ થાય તે ઈશ્વર। નાની મહાત્માઓ ઇન્દ્રિયોના દરવાજા બંધ રાખે છે અને વૈષ્ણવો દરેક દ્વાર ઉપર પરમાત્માને પધરાવે છે। વિષય મારી જ જલ્દી મરતો નથી। ભાગવતનો રાહુ અને રામાયણનો મારી જ સરખા છે, એ જલ્દી મરતા નથી। વિશ્વામિત્રનો યજ્ઞ પૂર્ણ થયો તે વખતે જનકપુરથી કુમકુમ પત્રિકા આવી કે સીતાજીનો સ્વયંવર છે। રામ लक्ष्मण विश्वामित्र जनकपुरी तरफ जवा निकळ्या। रस्तामां अहल्यानो उद्धार कर्यो। विश्वामित्रे रघुनाथजीने आज्ञा करी, आ शिलाने स्पर्श करो, शिलारूप अहल्यानो उद्धार करो। रामजी विचारमां पड़े छे के साधक लाकड़ानी स्त्रीने पण स्पर्श न करे। न स्पृश्येत दारवीमपि, आ श्लोक एकादश स्कंधमां छे। रामजी कहे हूँ एने प्रणाम करूँ छूँ। विश्वामित्र कहे प्रणाम करवाथी काई वड़े नहीं, रामजी ने पापनी बीक लागे छे। आजकालना लोको पापनी बीक राखता नथी, जेम फावे तेम वर्ते छे। हमेशा पापनी बीक राखशो तो कल्याण थशे, पापनी अने ईश्वरनी बीक राखशो तो निर्भय थशो। रामजी कहे परस्त्रीने हूँ वंदन करूँ पण परस्त्रीने स्पर्श नहीं करूँ। रामजी कोई परस्त्रीने अड़कता नहीं, तेम सीता पण कोई परपुरुषने अड़कता नहीं। આ દેશના લોકોનું જીવન ત્યારથી બગડ્યું જ્યારથી સહશિક્ષણની શરૂઆત થઈ। છોકરા છોકરીઓ સાથે ભણે તે શું બ્રહ્મચર્યા પાડતા હશે? બ્રહ્મચર્ય આશ્રમનો આદર્શ છે કે સ્ત્રી પરપુરુષનો અને પુરુષ કોઈ પર સ્ત્રીનો સ્પર્શ ન કરે। રામજી અહલ્યાને ચરણથી સ્પર્શ કર્યો નથી, પણ તે સમયે પવનને કારણે રામજીના ચરણની રજ ઉડી ને શિલા ઉપર પડી અને શિલામાંથી અહલ્યા બેઠી થઈ। એકનાથજીએ કહ્યું છે ચરણની રજ પવનથી ઉડીને પથ્થર ઉપર પડી, રામચરણની રજમાં
એવી શક્તિ છે કે અહલ્યાનો ઉદ્ધાર થયો. જય શ્રી કૃષ્ણ.